तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। और एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड पावर, इनका यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को करना, इससे एक बेसिक कंसेप्ट समझ जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 लिखा और यहाँ पे 60 लिखा, तो एक तरीका है कि मैं यहाँ सम का फॉर्मूला अप्लाई करूँ और इसका सम निकाल लूँ, या दूसरा है कि इस पे मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब कि प्लस इक्वल इसको सेलेक्ट करें, प्लस इसको सेलेक्ट करें और रिजल्ट आ जाएगा एक्सेट्रा। ओके, तो दोनों में रिजल्ट आपका सेम आया। ये आपका इनविल फंक्शन क्या है, इनविल मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ब्रांच से जो आपको दिया है सो है इनविल फंक्शन। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए कोई फंक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा। जो फंक्शन करना चाहते हैं उससे अवेलेबल ही नहीं होगा, तब क्या करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू। क्वार्टर वन में मान लीजिए कि 50 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है, तो मुझे इसका ग्रोथ चाहिए कि ग्रोथ कैसे निकलेगा। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन प्लीज। दुआ जन किया आपने? नहीं मैंने रिजॉइन किया सर, कोई इश्यू हो गया था, वो बंद हो गया। नहीं ग्रोथ तो कैसे निकाले ग्रोथ हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिकल फंक्शन उसको लेके चलते हैं। तो मैथमेटिक्स कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्ड, ये मैथमेटिकल फंक्शन। अगर नोट पैड मिला जाए तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो इसको हम एक्सेल में कैसे करें, तो सिंपल सा लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब यहाँ पे जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो बोथ मास मेथड का एक बार ध्यान रखिएगा, मतलब कि कैलकुलेशन सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है कि माइनस हमें पहले करना और डिवाइड बाद में करना है, बट मोस्ट बार मेथड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीक्वेंस करता है फर्स्ट डिवाइड देन माइनस। तो इसके लिए हमें ब्रैकेट में इसको डालना होगा ताकि मैथमेटिकल रूल करता है फर्स्ट ब्रैकेट देन डिवाइड, यहाँ पे आपके 20% आ गए। तो इस तरह से एक और एग्जांपल हम देते हैं मैथमेटिक्स की। मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है 50,000, 3% ईयरली और टाइम है मान लीजिए 5 साल, तो इसका अमाउंट क्या होगा। ओके, हमें इसका अमाउंट निकालना है। तो मैथमेटिक्स कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ
पी मल्टीप्लाई बाई एम, ये मैथमेटिकल रूल है। अब इसमें एम क्या है, तो एम इक्वल टू 12 है, मतलब कि ईयरली एज अ मंथ के हिसाब से मंथली कैलकुलेशन। तो यहां पे क्या होगा, हम चेंज करते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्ली इसको लेते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस अगेन ब्रैकेट आर मतलब कि 12 डिवाइड बाय 12 पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना कि 50,000 नहीं आ रहा है, आगे 58,000 थी, क्योंकि ब्रैकेट की दिक्कत है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं टुकड़ों में। अब यहां पे एक नया चीज दिखने वाले हैं कि किसी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को हम तोड़ तोड़ के करेंगे, फिर उसको आपस में जोड़ेंगे। कैसे, देखिए पहले होगा यहां पे r डिवाइड बाई 12 देन इक्वल 1 प्लस उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 12 फिर इन दोनों का पावर, उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्रिंसिपल को, रिटर्न आ गया। अब बोलोगे सर इसको टुकड़ों में तो कर दिया तो आसानी हो गई, गलती कहीं पे नहीं हुआ, बट मुझे एक इसको एक सेल में रखना है ना। अब बात करते हैं फॉर्मूला मर्जिंग की, मतलब कि एक फॉर्मूला के अंदर दूसरे फॉर्मूला मर्ज करना। जैसे कि यहाँ देखिए 1 प्लस सी 18 है, हम सी 18 पे जा रहे हैं और सी 18 का फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ जहां सी 18 है वहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने टुकड़ों में किया, कंबाइन करते हैं तो B13 है यहां पे, तो B13 का फॉर्मूला मैंने यहां से उठाया और यहां B13 के ऊपर पेस्ट कर दिया, लेकिन ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने कुछ गलती कर दी क्योंकि यहाँ टोटल इफेक्टेड हो गया, हमें B13 का फॉर्मूला इसमें डालना है ब्रैकेट में। हेलो 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 सर, मेरा ये इंटरनेट ठीक नहीं है, आवाज भी ब्रेकिंग कर रहा है, सो कैन यू शेयर मी द लिंक एज वेल आफ्टर द मी क्लास। ठीक है, थैंक यू। फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जहाँ 20 और 3 है वहां पे, बराबर हो गई यहाँ 20 और 3 यहाँ है ना, B18 B18 के जगह पे D18 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और यहां भी हमारे पास D18 है, तो यहां भी D18 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ F18 का फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब सबको डिलीट कर दीजिए और इसको कट करके रख दीजिए, एक बार में लगाते से आपको क्या होगा, गलती हो सकती है।
अब चलो इसको तो चलो एक बार में लगाया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं जिसमें आप जो है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के जरिए ही कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमें एमआरपी कैलकुलेट करना है, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है इसका 5% निकालता है और अपने टोटल में ऐड करके देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि अपने खरीद का 10% निकालता है और दे देता है होलसेलर को। होलसेलर इसका जो है 15% निकालता है और अपने खरीद पे ऐड करता है और देता है रिटेलर को। रिटेलर इसका 20% निकालता है और अपने टोटल में इसको ऐड करता है, देता है कंज्यूमर को। ओके, तो फाइनल प्राइस ये हुआ। लेकिन इन सारे कैलकुलेशन को मुझे यहाँ एक्सेल में दिखाना है, तो कैसे होगा? इसको हम कॉपी करेंगे, इससे जाएंगे C25 के जगह पे, पहले पहले तो यहाँ होगा ना, हाँ इसको C24 को C25 में देखेंगे, कहाँ पे C24 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेश कर देंगे। उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ C25 पे इसको पेश कर देते हैं और यहाँ भी C25 है, पेस्ट कर देते हैं। फिर ऊपर में आते हैं और इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम D24 पे आते हैं और इस पेज को पेस्ट कर देते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं D25, हम इसको लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, रीड कर रहे हैं, यहाँ भी D25 है, पर टोटल देखते हुए कहीं गलती तो नहीं हो रही है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ए छूट गया है E24। अब यहाँ पे देखिए E24 कहाँ है, यहाँ इसके जवाब पे ब्रैकेट में E24 का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए और यहाँ भी E25 है, यहाँ पे E25 पे इसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ जहाँ E25 है वहाँ भी इसके फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। E24 अब किसी से लिंक नहीं है, अब इसको मैं यहां से तोड़ सकता हूं, काट सकता हूं, सो लिया और यहां पे पेस्ट कर दिया, कट करके। अब देखिए क्या लग रहा है, इतना लंबा फॉर्मूला हम लिख पाते, कहीं कहीं ब्रैकेट से स्पेस थोड़ा छूट ही जाता। सर ये जो फॉर्मूला मर्जिंग जो आप कर रहे हो ना, हाँ तो सर इसका मतलब इसका सीक्वेंस क्या रहता है? जैसे मान लो हमने स्टेप बाय स्टेप तो आपने सारा सब कुछ निकाला, 5% 10% वगैरह, बट सर मर्जिंग में सर फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप लेना होगा या जैसे हमें या सेल लिंक का जो भी जहाँ पे भी मिला होगा सेल का लिंक जो इसके फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, सीक्वेंस क्या करना है इसमें? नहीं जैसे सीक्वेंस वाइज आपने 5% निकाला फिर 10 निकाला तो वहां से जो हम तो कैलकुलेशन परसेंटेज हो गया ना सर। जी जी सर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर का परसेंटेज निकलेगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूटर का निकलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना परसेंटेज तभी तो निकालेगा जो मैन्युफैक्चरर बताएगा कि मैं ऐसा दूंगा। जी जी जी, ये सीक्वेंस सिंपल है, तो कैलकुलेशन सीक्वेंस होगा, जो कैलकुलेशन करते हो सीक्वेंस है आपका। सिंपल सी बात मैं समझा दूँ, जैसे नोट पैड पे करते हो ना पेन पेंसिल से। जी जी सर,
परसेंट ज्यादा करना है आपको। तो इसी बात से आप लोग क्या करें कि कम से कम 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जी हाँ 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और करने के बाद मुझे भेजें। ओके जी सर, 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मुझे भेजें, फिर कल हम बात करेंगे इससे आएगी फॉर्मूले। ओके पिछली वाली रिकॉर्डिंग सर आप मुझे सर व्हाट्सएप पे शेयर कर देना सर, वो क्लास होने जी जी जरूर जरूर।